नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट शीट के बारे में। अगर आप कोई सेलर हैं और आप कोई सेल करते हैं और अगर आपको अपना स्टॉक मैनेज करने में परेशानी होती है तो ये शीट आपके बहुत ही काम आने वाली है। वीडियो पूरा जरूर देखें। इस शीट में हमने परचेज से लेकर सेल, स्टॉक और प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज किया हुआ है। आप देखेंगे हमने यहाँ पर आइटम कोड लिया हुआ है, आइटम नेम लिया हुआ है, प्राइस लिया हुआ है और उसकी क्वांटिटी ली हुई है। मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक आइटम कोड ले लेते हैं 101 और उसके बाद आइटम का नेम ले लेते हैं, मान लीजिए एप्पल, और इसके बाद इसका प्राइस मान लीजिए हमने ले दिया 35,000 का, ये पर पीस है। क्वांटिटी इसकी टोटल है हमारी 10। अब ये जो गुड्स है हमने परचेज किया है तो इसकी परचेज की एंट्री हमें कैसे करनी है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको सिंपल करना क्या होगा, सिर्फ इस परचेज बटन पर क्लिक करना होगा। अब इसे आपको देखना कहाँ पे है, आप देखेंगे हमने एक परचेज का बटन यहाँ पर बनाया हुआ है। आप जैसे ही परचेज बटन पर क्लिक करेंगे आपकी परचेज की एंट्री आपके सामने शो हो जाएगी, जिसमें आप देखेंगे आपका आइटम कोड 101, आइटम नेम है एप्पल, प्राइस है इसका 35,000, क्वांटिटी इसकी 10 है और टोटल प्राइस आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेंशन हो गया। इसके बाद इसी तरीके से अगर आप इस आइटम को सेल कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक हमारे पास होम का बटन है। जैसे ही हम होम बटन पर क्लिक करेंगे हम वापस से अपनी होम शीट पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। और अब इसके बाद हम यहाँ पर सेल करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए जो हमने आइटम अभी परचेज किया था उसमें से 5 पीस हमने सेल कर दिया, तो आइटम कोड था हमारा 101, आइटम नेम था हमारा एप्पल और इसकी जो कॉस्ट हमने सेल करी है वो 40,000 का पर पीस सेल किया है क्योंकि हमें प्रॉफिट भी चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ पर क्वांटिटी रखते हैं 5, यानी 5 पीस हमने इसके सेल किए हैं। जैसे ही हम सेल पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारी ये एंट्री भी पास हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे सेल का एक बटन हमारे पास मेंशन है। इस सेल बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारी सेल की एंट्री भी पास हो चुकी है और यहाँ पर हमने जो टोटल सेल की है वो 2 लाख रुपए की सेल कर रखी है। होम पर वापस जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है स्टॉक का। अगर आप स्टॉक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक स्टॉक भी शो हो रहा है कि आपके पास एप्पल का जो आइटम है वो 5 पीस है अभी स्टॉक में आपके बचा हुआ है क्योंकि 5 पीस हम सेल कर चुके हैं, और आपका भी लो स्टॉक है। यानी यहाँ पर लो स्टॉक इस वजह से दिखा रहा है कि अगर आपका ये स्टॉक मिनिमम 10 होगा तो यहाँ पर लो स्टॉक लिखा हुआ आएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 10 हो या 10 से अबव हो तो यहाँ पर लो स्टॉक लिखा हुआ नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 11 डालते ही आप देखेंगे यहाँ पर लो स्टॉक नहीं आया, यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक सेल आ गया। यानी जब भी आपका स्टॉक कम होगा तो ये आपको इंडिकेट भी करेगा कि आपका स्टॉक अभी कम है, आप अपने स्टॉक को फुल करिए। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर आप देखेंगे होम पर वापस क्लिक करिए, या तो आप होम पर क्लिक करके जा सकते हैं या नीचे प्रॉफिट एंड लॉस का शीट है आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो हम फिलहाल होम पे जाते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमने जो आइटम परचेज किया था एप्पल का वो 3,50,000 रुपये का हमने आइटम परचेज किया था, जिसको हमने सेल किया है 5 पीस 2 लाख रुपये में। और अब यहाँ पर हमारे सामने दिखा रहा है 1.5 लाख रुपये का माइनस में नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो पीस सेल किया है वो हाफ सेल किया है। जैसे हम इसे कम्प्लीटली पूरा सेल कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट शो हो जाए। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग चले गए सेल शीट के ऊपर, सेल शीट पर जाने के बाद यहाँ पर हमने क्वांटिटी इसकी इंक्रीज कर दी, मान लीजिए हमने पीस कर दिया 10 और उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी टोटल जो सेल थी वो 4 लाख रुपए की सेल हो चुकी है। इसके बाद अगर हम होम पे जा करके जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 50,000 रुपए का हमारा प्लस प्रॉफिट शो हो गया। तो ये है हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक शीट। इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपने बैकग्राउंड में कोई भी कलर जो भी आपको पसंद आए वो कलर यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ये कलर चूज किया है, हमने इसको फिल कर लिया। फिल करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आपको क्या करना है, चौथे नंबर सेल पे आना है, फोर्थ नंबर सेल पे आना है और यहाँ से आपको 4 कॉलम सेलेक्ट करने हैं और 4 रो सेलेक्ट कर लेनी है। 4 कॉलम और 4 रो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है वापस से फिल विद कलर के ऊपर और यहाँ से आपको लाइन लेना है नो फिल का एक ऑप्शन। नो फिल का ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो सेल था वो वाइट हो गया और यहाँ पर आपको अपने आइटम्स की डिटेल डाल देनी है। जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले आइटम कोड, इसके बाद आइटम नेम, इसके बाद प्राइस और इसके बाद इसकी क्वांटिटी। इतना देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो डेक्स है वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है, आउट जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए अपने सेल के साइज को।
सेल के साइज को इंक्रीज करने के बाद अब आपको क्या करना है, सीधे जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इलस्ट्रेशंस का, इस इलस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा शेप्स का, इस शेप्स वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रेक्टेंगल शेप का, तो इस रेक्टेंगल शेप को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक शेप ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ड्रॉ करने के बाद आप इसका कोई भी कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसा भी आपको बेटर लगे वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ से इसको चूज कर दिया है, मान लीजिए ब्लैक कलर ले लिया हमने इसका। ब्लैक कलर लेने के बाद यहाँ पर हमने इसको राइट क्लिक मारा और यहाँ पर हमें जाना है एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन पे। आप देखेंगे यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट का एक ऑप्शन शो होगा, इस एडिट टेक्स्ट पे आपको जाकर के क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टाइप करना होगा परचेज। परचेज लिखने के बाद आप परचेज को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड कर दीजिए। इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो यहाँ से इसका अलाइन जो है वो सेंटर कर दीजिए। सेंटर करने के बाद यहाँ से आप इसके टेक्स्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ से आपका टेक्स्ट इंक्रीज हो जाएगा। टेक्स्ट को इंक्रीज करने के बाद आप इसकी क्या करेंगे, हम लोग कॉपी कर लेंगे इसकी, कंट्रोल डी करेंगे हम लोग। कंट्रोल डी करके इसकी बहुत सारी कॉपीज कर लेते हैं और इस कॉपीज को उठा करके हम लोग यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं। जितने बॉक्सेस हमें चाहिए उतने बॉक्सेस हम यहाँ पर उठा करके इसको मैनेज कर देंगे। उसी तरीके से एक हमने यहाँ रखा हुआ है और एक हमने यहाँ रखा हुआ है। चलिए इसको मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करने के बाद एक हमारे पास बॉक्स एक्स्ट्रा है, ये हमें बाद में यूज होगा, इसको फिलहाल हम साइड में रख देते हैं। अब आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ इन सभी बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ड्राइंग टूल्स का। इस ड्राइंग टूल पर जाने के बाद आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपका शो होगा अलाइन का। इस अलाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको लेना है अलाइन टॉप। आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है अलाइन टॉप का। इस अलाइन टॉप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या, आपका जो भी शेप्स थी वो ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट्स हो गई। अलाइन करने के बाद आप देखेंगे आपकी जितनी भी शेप्स थी वो अलाइन हो गई टॉप पर, यानी टॉप पर एडजस्ट हो गई। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें तो अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के बाद सेम एज इट इज इसी तरीके से आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेम इसको भी आप क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। कैसे अलाइन करेंगे, इसको हम सेंटर, आप देखेंगे यहाँ सेंटर का एक ऑप्शन है, हम इसको अलाइन कर देंगे सेंटर पे। सेंटर अलाइन करने के बाद आप देखेंगे ये भी हमारे सेंटर में एडजस्ट हो गया। इसके नेम को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला परचेज लिखा हुआ है, यानी परचेज शीट है हमारी, और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ दूसरा होना चाहिए हमारा सेल्स, और तीसरा जो है वो हमारा होना चाहिए स्टॉक, और चौथा जो है वो हमारा होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक परचेज है, तो इसको हटा करके हम यहाँ भी रख देंगे सेल्स, क्योंकि ये दोनों बटन हमारे परचेज और सेल के लिए यूज होंगे। इन दोनों बटन्स का कलर अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट रखने के लिए इस तरीके से, ताकि हम इस बटन का अलग से यूज कर सकें। इन सभी बटन्स के ऊपर तो लिंक्स लगे होंगे, मगर इसके ऊपर हम लोग माइक्रो की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए अब ये जो हमारा एक एक्स्ट्रा शेप बच गया था इसको हम नाम दे देते हैं होम। होम नाम देने के बाद आपको करना क्या है, जो आपकी शीट 1 है इसमें क्या करेंगे, आप इस शीट का रिनेम कर देंगे। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिनेम का, आपको रिनेम पर क्लिक कर देना है। रिनेम पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी ये शीट रिनेम हो जाएगी। इसका जो भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ होम। और इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक प्लस का निशान आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर एक प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान से हम लोग और भी पेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम और भी शीट्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक कर लेते हैं इसी तरीके से। और इसके बाद शीट 2 को हम नाम दे देते हैं रिनेम करके इसी तरीके से, मान लीजिए इसको नाम दे दिया हमने परचेज, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग सेल। और इसके बाद 4 जो शीट है हमारी उसको हम नाम दे देते हैं स्टॉक, और उसके बाद एक शीट और ले लेते हैं हम लोग और इसको नाम दे देते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस आइटम कोड को थोड़ा सा हाईलाइट करके रखना है, यानी जो हमारा डेटा है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। हम इसे कर देते हैं कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, और इस डेटा को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से सिंपली, और चले जाएंगे परचेज वाली शीट पर। सबसे फर्स्ट वाले सेल पर जाकर के आपको होम टैब के अंदर यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे पेस्ट का। पेस्ट के अंदर एक ऑप्शन आपको नजर आएगा ट्रांसपोज का। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पर तो आपका यहाँ पर जो डेटा है वो ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने से हुआ क्या, हमारा जो डेटा था वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग और ऐड कर देते हैं टोटल प्राइस की। टोटल प्राइस की
टोटल प्राइस लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, सेल्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से सेल्स को एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद आपको इस पूरे डेटा को एक बार इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर प्रेस करना है Ctrl+T। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपके सामने लिखा होगा माई टेबल हैज हेडर, यानी मेरी टेबल पर ऑलरेडी हेडर है तो मुझे किसी हेडर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस पे चेक जरूर कर लेना है, इस पे चेक करने के बाद ही आपको ओके करना है, वरना यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक डेटा यानी कि एक हेडर और ऐड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर हेडर की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंपल टिक करेंगे और यहाँ पर ओके करते हुए इसको सेव कर देंगे। और इसके बाद आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है और आप देखेंगे यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन भी शो हो रहा है। तो इस फिल्टर की अभी फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप Ctrl+Shift+L दबा करके फिल्टर को यहाँ से हटा सकते हैं। अब एज इट इज यही डेटा मुझे सेल शीट पर चाहिए, तो हम इसी डेटा को वापस से यहाँ से क्या करेंगे, Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे, सेल शीट पर जाएंगे और सेम एज इट इज इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद आप अपने अलाइनमेंट्स यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी सेल्स को आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर लीजिए, जैसे कि परचेज शीट पर था। मैनेज करने के बाद अब हम चले जाते हैं स्टॉक वाली शीट पर। स्टॉक वाली शीट पर जाने के बाद यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर हमें चाहिए आइटम नेम, स्टॉक और रिमेंबर। रिमेंबर लिखने के बाद अब क्या करना है आपको, यहां से थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना है ताकि आपका ये जो डेटा है वो प्रॉपरली दिखाई दे। और इसके बाद सेम वही काम इसके साथ भी करना है, पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्ट करना है, Ctrl+T प्रेस करना है। Ctrl+T प्रेस करने के बाद माई हेडर पे टिक करके यहाँ पर ओके कर देना है। ये भी आप देखेंगे आपकी टेबल में कन्वर्ट हो गया डेटा। और उसके बाद यहाँ पर भी आपको Ctrl+Shift+L करके इसको हटा देना है। इसके बाद आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस पर, और प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं शीट को भी। और यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर हमें चाहिए सेम स्टॉक आइटम चाहिए, हमने टोटल जी कितनी परचेज की है हमें वो चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं परचेज, और यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल हमारी सेल्स कितनी हुई है वो चाहिए, और यहाँ पर हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। सेम एज इट इज इसी तरीके से इसको भी हम सिलेक्ट करके पहले तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और इसके बाद इसको पूरे डेटा को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+T प्रेस करते हैं उसी तरीके से, और यहाँ पर माई हेडर पे टिक करके यहाँ पर ओके कर देंगे, और सेम Ctrl+Shift+L दबा करके इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यानी फिल्टर को यहाँ से हटा देते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो चुका है, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। होम टैब हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। परचेज की अगर हम बात करें तो परचेज का डेटा हमारे यहाँ पर तैयार हो चुका है। सेल की अगर हम बात करें तो सेल का डेटा भी हमारा तैयार हो चुका है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का डेटा भी हमारा तैयार हो चुका है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का भी हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब इस स्ट्रक्चर को करना क्या है, यानी आपस में लिंक्स कैसे करें, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक शीट से दूसरी शीट पर जाने के लिए किस तरीके से लिंक लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको जिस बटन पे लिंक लगाना है उस बटन के ऊपर जाकर के आपको राइट क्लिक करना है। जैसे मैं परचेज के ऊपर जाकर के यहाँ पर राइट क्लिक कर लेता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा लिंक्स का। इस लिंक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यानी ये जो लिंक है वो हाइपर लिंक का ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको जाना है यहाँ पर कहाँ, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी जो हम लिंक लगाना चाहते हैं वो किसी करंट फोल्डर या फाइल के ऊपर नहीं लगाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारे इसी शीट के अंदर ही जो डेटा है हम उसके ऊपर ही लिंक लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जितने भी आपके पेजेस थे वो यहाँ पर शो हो गए, चाहे वो होम टैब हो, परचेज हो, सेल हो, स्टॉक हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो। तो अभी फिलहाल हमें किस चीज़ के ऊपर लिंक लगाना है, हम चाहते हैं हमारा जो डेटा है कि हम जब भी इस बटन पर क्लिक करें तो हमारा जो परचेज का डेटा है यानी परचेज की जो शीट है वो यहाँ पर ओपन हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ पर परचेज को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, और उसके बाद आप जा करके एक बार क्लिक करके देखिए हमारा परचेज की शीट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। हम होम पर वापस आ जाते हैं। अब हम इस वाले बटन का यूज कर लेते हैं। इस वाले बटन को यहाँ से हम लोग करते हैं कट, यानी इसको यहाँ से हटाते हैं और परचेज वाली शीट पर जाकर के यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको उठा करके आप यहाँ नीचे रख लीजिए। अब इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर भी हम लिंक लगा देते हैं सेम एज इट इज उसी तरीके से। आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ से लिंक्स ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से आपको होम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कर देना है ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है सेल वाले बटन पर, और यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से लिंक्स लगा लेना है। तो हमने लिंक पर क्लिक किया, लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ कर दिया सिंपल ओके। उसी तरीके से स्टॉक पे राइट क्लिक किया, हमने लिंक को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। उसी तरीके से प्रॉफिट लॉस के ऊपर राइट क्लिक करके लिंक को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने प्रॉफिट एंड लॉस को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब यहाँ पर हमारे ये सभी बटन्स लग चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे परचेज के ऊपर हमारा जो बटन है वही सेम बटन हमें बाकी की शीट्स पर चाहिए।
तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, सेल शीट पर जाकर के आप इसको सिंपली पेस्ट कर दीजिए और इसको उठा करके यहाँ नीचे रख लीजिए। उसी तरीके से स्टॉक के ऊपर भी पेस्ट कर दीजिए और इसको भी उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस पे भी पेस्ट कर दीजिए और उसको उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। तो हमारे ये लिंक्स लग चुके हैं, लिंक्स का काम हमारा कम्प्लीटली डन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन बटन्स के ऊपर लिंक्स लगाना है कि मैं जो भी डेटा यहाँ पर टाइप करूँ और परचेज पर क्लिक करने के बाद वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए हमें सबसे पहले एक रिकॉर्डिंग करनी होगी, यानी मैक्रो का यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम कोई आइटम पहले टाइप कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने टाइप किया 101, सेम वही आइटम हम फिर से ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एप्पल, और एप्पल लेने के बाद यहाँ पर हमने इसका प्राइस जो था वो प्राइस रख लिया मान लीजिए 5000, और उसके बाद क्वांटिटी दे दी हमने 10 पीस की। इसको अलाइन सेंटर कर लेते हैं क्योंकि ये लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा अजीब दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पे अलाइन सेंटर। सेंटर करने के बाद आपको फर्स्ट वाले सेल पर क्लिक करके रखना होगा, और अब आपको जाना है कहाँ पर, आपको जाना है सीधे व्यू के ऑप्शन पे। व्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा मैक्रो। मैक्रो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रो का। रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर मैक्रो नेम शो हो रहा है, तो यहाँ पर मैक्रो का कोई नेम दे देते हैं। तो फिलहाल हम इसको जो नेम देंगे वो देंगे परचेज। परचेज नाम देने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको ध्यान रखना है आपको इस रिकॉर्डिंग में करना क्या है। एक भी स्टेप अगर आपने मिस्टेक किया तो आपका डेटा वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए आप इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखें। आपको करना क्या है, आपको सिंपली फर्स्ट सेल से लेकर के लास्ट सेल तक डेटा को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी यानी ये डेटा यहाँ से कॉपी हो जाए। कॉपी होने के बाद ये जाना कहाँ चाहिए, ये परचेज वाली शीट पर जाना चाहिए, और यहाँ पर क्लिक होने के बाद फर्स्ट वाले सेल पर होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पेस्ट वाला, और पेस्ट में आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है ट्रांसपोज वाला। तो इस ट्रांसपोज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो यहाँ पर शो हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक काम आपको और करना होगा। यहाँ पर आपको इस पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, यानी पूरे सेल को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना होगा। अब ये काम हमने क्यों किया, यानी डेटा सेल को हमने इंसर्ट क्यों किया है, क्योंकि जब भी हम कोई नया डेटा रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो जो इसमें पहले से डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह दूसरा डेटा यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, जो भी डेटा हमारा यहाँ पर नया पुट हो वो डेटा ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ सरक जाए, और सरकने के बाद यहाँ पर डेटा हमारा फुलफिल हो जाए। तो चलिए ये काम हमारा हो चुका है। अब हमें वापस कहाँ जाना है, वापस हमें चला जाना है अपने होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर जाने के बाद ये डेटा यहाँ से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। डिलीट होने के बाद फर्स्ट सेल पे आप क्लिक करके रखिए कि आपका डेटा डिलीट होने के बाद फर्स्ट सेल पे वापस आप पहुंच गए हैं, और उसके बाद आपको जाना है व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब में जाने के बाद यहां से आपको जाना होगा मैक्रोज वाले ऑप्शन पे, और यहां से आपको कर देना है स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी ये रिकॉर्डिंग जो थी वो हमारी स्टॉप हो चुकी है। अब हम सेम इसी तरीके से सेल की रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, तो उसी आइटम का नेम फिर से दे देते हैं, 101 हमारा आइटम था, और इसके बाद यहां पर हम टाइप कर लेते हैं आइटम का नेम, जैसे हमने ले लिया एप्पल, और इसके बाद यहाँ पर प्राइस जो था हम थोड़ा सा इंक्रीज करके देंगे ताकि हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो यहाँ पर 40,000 रखेंगे, और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी हम रख लेते हैं 5 पीस, यानी हमने 10 पीस परचेज किया था, 5 पीस हम सेल कर रहे हैं। और अब इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं दोबारा से, वही स्टेप हम फिर से रिपीट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपको फर्स्ट सेल पर क्लिक करके रखना है, आपको जाना है सीधे व्यू टैब के अंदर, और व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ से मैक्रो लेना है। मैक्रो के अंदर ऑप्शन आएगा आपका रिकॉर्ड मैक्रो, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको जो नाम दोगे आप वो दे दोगे सेल, तो हम यहाँ पर दे देते हैं इसको सेल्स नाम। सेल्स नाम देने के बाद यहाँ पर आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो डेटा है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंट्रोल सी का यूज करना है, यानी डेटा यहाँ से कॉपी हो जाए और कहाँ चला जाए, सेल वाली शीट पर। सेल वाली शीट पर जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट सेल पर आपको क्लिक करना है, होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है पेस्ट, और पेस्ट के अंदर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज पर जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमें एक सेल इंसर्ट करना होगा जो मैंने आपको अभी बताया था, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारा एक सेल इंसर्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले सेल पे वापस से क्लिक करना है और होम टैब में वापस आ जाना है, और ये डेटा यहाँ से क्या कर देना है आपको, सिंपली डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको फर्स्ट सेल पे वापस से क्लिक कर देना है, यानी डिलीट करने के बाद डेटा आपका वहाँ शिफ्ट हो गया। डेटा डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट सेल पर क्लिक करना है और यहाँ से चले जाना है व्यू के अंदर, और व्यू में जाने के बाद मैक्रो सिलेक्ट करके यहाँ से आपको क्या कर देना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद
आपकी ये जो रिकॉर्डिंग थी वो कम्प्लीटली डन हो चुकी है, यानी हमने परचेज की जो रिकॉर्डिंग करी थी वो भी हो चुकी है और सेल की जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी वो भी हमारी हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, इन जो रिकॉर्डिंग्स हमने की है वो इन बटन्स के ऊपर हमें पेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इस वाले बटन पर राइट क्लिक मारेंगे। राइट क्लिक मारने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा असाइन मैक्रो का। इस असाइन मैक्रो पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूं आपको। असाइन मैक्रो पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा परचेज का। तो आपको यहां पर क्या करना है, परचेज को सिलेक्ट कर लेना है, यानी परचेज की जो रिकॉर्डिंग थी हमारी वो परचेज थी, तो हमने परचेज को सिलेक्ट करना है और यहां पर ओके कर देना है। सेम इसी तरीके से हम लोग सेल को सिलेक्ट करेंगे, सेल के ऊपर भी राइट क्लिक मारेंगे और यहां से चले जाएंगे कहां पर, असाइन मैक्रो पर। असाइन मैक्रो सिलेक्ट करने के बाद यहां पर सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां कर देंगे इसे ओके। करने के बाद अब हमें सिंपली करना क्या है, अब हम डेटा फिल करके एक बार देख लेते हैं कि भाई हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहां पर आइटम कोड दे देते हैं, मान लीजिए 102 का हमने आइटम कोड दिया हुआ है। और आइटम नेम अगर हम देना चाहें तो आइटम नेम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए आइटम नेम दे दिया हमने MI, MI का हमारा फोन है। और प्राइस इसका क्या है, तो मान लीजिए 12,000 का हमारा इसका प्राइस है, क्वांटिटी इसकी 10 पीस है। जैसे हम परचेज वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारा डेटा परचेज वाली शीट पर शिफ्ट हो चुका है। उसको चेक करने के लिए परचेज वाले बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे दो आइटम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। सबसे पहला आइटम है हमारा एप्पल जो हमने अभी एंट्री पास की थी, और दूसरा आइटम है हमारा MI। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका टोटल प्राइस निकालना है। तो टोटल प्राइस निकालने के लिए आपको यहाँ पर इस इक्वल टू का यूज करना है और यहाँ से प्राइस को इनटू कर देना है क्वांटिटी से। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट देखेंगे टोटल प्राइस आ गया। सेम इसी तरीके से आपको सेल पर जाकर के सेल पर भी यही टोटल प्राइस निकाल लेना है, इज इक्वल टू प्राइस को इनटू कर देना है क्वांटिटी से। तो यहाँ पर ही आपका टोटल प्राइस आ गया। अब उस डेटा को हम सेल करके देखते हैं, क्या हमारा डेटा जो परचेज का हमारा बटन अगर काम कर रहा है तो सेल का बटन भी हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइटम कोड है हमारा 102 और हमारा जो आइटम नेम था वो था MI और हमारी जो प्राइस था वो था 12,000। तो इसको हम बेचेंगे 13,500 की रेंज में और क्वांटिटी बेचेंगे हम लोग 5 पीस की। और उसके बाद सेल पर हम क्लिक करेंगे। सेल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारा सेल का डेटा भी यहाँ पर पहुंच चुका है। तो सेल वाले बटन पर क्लिक करिए और यहाँ देखिए आपका सेल का डेटा भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग स्टॉक की। तो यहाँ पर हमारा स्टॉक मैनेज हुआ या नहीं हुआ इसको हमें चेक करना होगा। तो स्टॉक पे जाएंगे तो स्टॉक में हमारा कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस यूज करनी होगी, यानी कुछ फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो मैं आपको वो भी कम्प्लीटली करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जितने भी आइटम्स आपके होंगे उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर टाइप करके रखनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। जब तक आपके पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम नहीं होगा तब तक आप इन डेटा का यूज नहीं कर सकते। तो फिलहाल हम मान लीजिए जो हमारा सबसे पहला डेटा था वो था एप्पल, यहाँ पर एप्पल टाइप कर लेते हैं MI। इसके बाद अगर आपको और भी आइटम्स लिखने हैं तो आप यहाँ पर और भी आइटम्स के नेम दे सकते हैं। हम यहाँ पर फिलहाल दो ही आइटम्स के नेम दे रहे हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक वाले कॉलम्स पर जाना है और यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पुट करना होगा। तो फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू का यूज करना है आपको और यहाँ पर यूज करेंगे सम इफ। सम इफ का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे रेंज मांग रहा है, तो रेंज हम किस चीज की देंगे, यहाँ पर आपको जाना है यहाँ से परचेज वाली शीट पर। परचेज वाली शीट पर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास जितने भी आइटम्स की रेंज है, यानी जितना भी जो हमारा आइटम नेम वाला कॉलम है इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पूरी रेंज आपको सिलेक्ट करनी है और उसके बाद यहीं पर ही आपको कॉमा का यूज करना है। आपको रिटर्न आना है अपने स्टॉक वाली शीट पर और यहाँ पर आपको रेंज लेनी है फर्स्ट आइटम की, यानी जो भी आइटम का नाम यहाँ पर शो होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से कॉमा का यूज करना है और कॉमा का यूज करने के बाद यहाँ से आपको जाना है वापस से परचेज वाली शीट पर। और आपको क्या देखना है, मतलब क्या चाहिए आपको, तो हमें चाहिए टोटल क्वांटिटी, यानी टोटल क्वांटिटी जो भी हो इस आइटम की वो यहाँ पर शो हो जानी चाहिए। और उसके बाद हम ब्रैकेट को करेंगे यहाँ से क्लोज और प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे MI का हमारे पास 10 पीस है और एप्पल का भी हमारे पास 10 पीस यहाँ पर शो हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, हम चाहते हैं जो हमने परचेज किया था 10 पीस और जो हमने सेल किया है 5 पीस, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टॉक हो वो मैनेज हो जाए, यानी यहाँ पर हमारे सामने शो होना चाहिए 5 पीस, यानी 5 पीस हमारे पास परचेज था, 5 पीस हमने सेल कर दिया, तो यहाँ पर जो दिखाना चाहिए इसको वो 5 पीस दिखाना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, इसके अंदर आपको करना क्या है, इसी फॉर्मूले में आपको फिर से एडिट करना है। आपको F2 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर आपको यूज करना है माइनस, और सेम फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे, यानी सम इफ का फॉर्मूला हम लोग फिर से यूज करेंगे। सम इफ का फॉर्मूला लगाने के बाद अब जैसे हमने परचेज का डेटा लिया था उसी तरीके से हम लोग सेल का डेटा भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो अब सेल वाली शीट पर जाएंगे, सेल के जितने भी आइटम्स हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे और उसके बाद वापस से आपको स्टॉक वाले शीट पर आ जाना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट आइटम रेंज, यानी इस आइटम को उन सभी आइटम्स में से फाइंड करें। इसके बाद कॉमा का यूज करना है और इसके बाद फिर से वापस चले जाना है सेल शीट पर और क्या दिखाया हमें, टोटल क्वांटिटी हमें दिखा दे,
ब्रैकेट को हमने बंद किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पे स्टॉक मैनेज हो गया, यानी कि 10 पीस हमने परचेज किया था एप्पल और एमआईज का, और यहाँ पर 5-5 पीस हमारे सेल हो चुके हैं, जिसमें हमारे पास स्टॉक में अभी 5 पीस बचा हुआ है। अब बात करते हैं रिमेंबर की, तो रिमेंबर में क्या आना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर लेस देन 10 हो तो यहाँ पर रिमेंबर में आपके लो स्टॉक आना चाहिए, और अगर लेस देन 10 ना हो यानी उससे अबव वैल्यू हो तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको यहाँ पर यूज करना है इक्वल टू, यहाँ पर यूज करना है इफ यूज करने के बाद आपको रेंज लेनी है आपके स्टॉक आइटम्स की, स्टॉक आइटम की रेंज लेने के बाद आपको यहाँ यूज करना है लेस देन इज इक्वल टू 10 यानी कम हो या बराबर हो किसके 10 के, तो क्या हो कमा यूज करना है, उसके बाद इज इक्वल टू यूज करना है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका ये जो स्टॉक है वो लेस देन इज इक्वल टू 10 हो तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए लो स्टॉक, इन्वर्टेड कोट को बंद करिए, और अगर ये 10 से अबव हो तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। तो ब्रैकेट को हम लोग बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका लो स्टॉक शो हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमें कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो जो हमारा जो स्टॉक था यानी जो हमने आइटम्स यहाँ पर लिए थे, आपके पास जितने भी आपके आइटम्स हैं उन सबकी लिस्ट यहाँ पर आपको एक बार टाइप करनी होगी। हम यहाँ से दोनों आइटम्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे चले जा करके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि हमने जितने भी आइटम्स की परचेजिंग करी है, यानी जितने रुपीज का हमने परचेज किया है और जितने रुपीज का हमने सेल किया है, हमारे सामने यहाँ पर परचेज और सेल शो हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, बस कंडीशन थोड़ी सी चेंज करेंगे। देखिए आपको यहाँ यूज करना है इक्वल टू, सम इफ का यूज करना है, सम इफ करें, किसको सम इफ करें, यहाँ से जाना है आपको परचेज वाली शीट पर, सेम आइटम्स की रेंज ले लेनी है आपको, इन सभी आइटम्स में से फाइंड करें, कॉमा किसको फाइंड करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस शीट पर वापस आप आ जाएंगे, और यहाँ से इस एप्पल आइटम को फाइंड करें, कॉमा का यूज करना है, कॉमा का यूज करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से चले जाना है परचेज वाली शीट पर, और यहाँ से आपको लेना है टोटल प्राइस, यानी इन सभी प्राइस की रेंज ले लेनी है आपको, और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, और उसके बाद प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका जो यहाँ पर अमाउंट है वो शो हो चुका है, यानी कि हमने एप्पल का जो आइटम परचेज किया था वो 3,50,000 रुपए का हमने एप्पल का आइटम परचेज किया हुआ है, और 1,20,000 रुपए का हमने एमआई का आइटम परचेज किया हुआ है। इसी तरीके से हम लोग सेल का भी निकाल लेंगे, तो सेल के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू सम इफ का। सम इफ का यूज करने के बाद आपको जाना है सेल वाली शीट पर, यहाँ से लेना है आपको टोटल आइटम रेंज, कॉमा का यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस पर वापस आ जाना है, यहाँ से आपको आइटम को वापस सेलेक्ट करना है, कॉमा का फिर से यूज करना है, और फिर से चले जाना है आपको सेल वाली शीट पर। सेल शीट पर जाने के बाद यहाँ से आपको टोटल प्राइस की रेंज लेनी है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब आप देखेंगे हमने जो परचेज किया था टोटल एप्पल का आइटम वो 3,50,000 रुपए का परचेज किया था और 2,00,000 की हमने सेल कर दी है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारा कितना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल माइनस परचेज, यानी सेल में से माइनस कर दीजिए परचेज को, एंटर प्रेस करिए। अभी हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है, ये पॉजिटिव तब हो जाएगी जब ये हमारा पूरा का पूरा स्टॉक सेल हो जाएगा, यानी अभी जो हमारे पास 5-5 पीस यहाँ बचे हुए हैं, जब ये हमारे सेल हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट शो हो जाएगा। तो दोस्तों यही थी हमारी स्टॉक मैनेजमेंट शीट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा।